अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त नज़ाल भाई हैं, ये टोरंटो से हैं, बेसिकली लाहौर से हैं, और आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कनाडा में ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एक प्रोग्राम है उसके थ्रू पाकिस्तान से कनाडा में यहाँ पर आए। इनको वर्क परमिट मिला है, दैट मीन्स इन्होंने कुछ भी पे नहीं किया, इनकी कंपनी इनको सपोर्ट किया, इनको अपनी स्किल्स अपनी टैलेंट की बुनियाद पर कनाडा में वर्क परमिट मिला है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम के अंदर। नज़ाल भाई, आपकी क्या फील्ड थी जिसकी वजह से आपको इस प्रोग्राम में कनाडा में आ पाए हैं? जी, मैं वेब डेवलपर था बेसिकली, और यहाँ कनाडा में वेब डेवलपर्स की बहुत जो है डिमांड है, तो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम से मैं पहला पाकिस्तानी जो यहाँ आया हूँ मतलब अभी तक। तो मेरा प्रोसेस ये था कि मैंने कंपनी ने मुझे जो है ऑफर लेटर दिया, उस ऑफर लेटर के थ्रू उन्होंने ESTC, एक कनाडा का अपना सोशल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, उनके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, और उसके बाद उन्होंने मेरा केस पुट अप किया थ्रू इमिग्रेशन, और सब कुछ जो पेमेंट थी, इमिग्रेशन फ़ी, कनाडा की गवर्नमेंट की फीस, एवरीथिंग दे पेड फॉर दैट। मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा, द ओनली थिंग आई हैव टू पे इज़ द एयर फेयर, दैट्स इट, और बाकी सब कुछ उन्होंने पे किया, मैंने कुछ पे नहीं किया। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रॉपर की, कुछ उनके होते हैं कि ESTC के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपने मीट करना होता है, बट दैट वाज नॉट माय हेडेक, दैट वाज द हेडेक ऑफ द कंपनी। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट नज़ाल भाई का जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी है यहाँ पर स्क्रीन पर भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप इनसे जो है रब्ता कर सकते हैं।